नर्मदा प्रलय से पहले की नदी, गंगा से भी पवित्र, वरदा प्राणदा जो रहेगी सर्वदा नर्मदा। नदियों की वजह से ही सभ्यताएं पनपती हैं, कहानियां बनती हैं, बस्तियां बसती हैं, और ये पानी ही है जो उन्हें खुशहाली देता है, ईश्वर पे विश्वास दिलाता है और समाज का निर्माण होता है। जब मिट्टी में खुशहाली आएगी तो मिट्टी गाएगी ही। इसीलिए नदियों के बारे में यही कहा जाता है कि वो सिर्फ बहती नहीं, गाती भी है। अमरकंटक की पहाड़ी समुद्र तल से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पे विंध्याचल पहाड़ी पे अमरकंटक पर बना ये कुंड नर्मदा का उद्गम है। 1300 किलोमीटर लंबी विशाल नदी का जन्म इसी जगह से हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार अमरकंटक का अर्थ है देवताओं का शरीर, और यहाँ की यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा नर्मदा जी को मैकल करने का, नर्मदा उपमा है, नाम नहीं है, जो नाम अरे वो नर्मदा है। कहानियां चाहे जितनी भी हों, विंध्याचल पर्वत माला के इस पर्वत को पूरे पर्वत श्रृंखला का शिरोमणि भी कहा जाता है। अमरकंटक विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर है। ऊंचाई के साथ साथ अपने गुणों के लिहाज से भी ये सिर्फ नर्मदा की जन्मस्थली ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, आध्यात्म, संस्कृति का संगम भी है। अमरकंटक पाप मुक्ति का स्थान तो है ही, पर्यटकों की परीक्षा लेने के लिए यहां एक पत्थर का हाथी भी बना है। जिसके मन में ईमानदारी और सच्चाई हो, कहते हैं वही इसमें से गुजर सकता है। अमरकंटक से नर्मदा की और भी बहुत सारी शाखाएं निकली हैं, उन्हें नर्मदा की बहने कहा जाता है। इन सब ने मिलकर इस मिट्टी में ऐसे पेड़ पौधे विकसित किए जो हर तरह की बीमारी से इंसान की रक्षा करते हैं। गुलबकावली पुष्प यहाँ का प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। गुलबकावली दलदली भूमि में होता है। अमरकंटक में आज से 60-70 साल पहले पूरा दलदल था, और दलदली भूमि में नमी ज्यादा होती है। नमी के कारण यहाँ गुलबकावली का पुष्प ज्यादा होता है, जो नेत्र रोगों के सभी रोगों को दूर करता है। इसका अर्क निकालते हैं और अर्क को नेत्रों में डाला जाए तो अंधा भी दृष्टि पा सकता है। यहीं अमरकंटक पर माई की बगिया में नर्मदा का बचपन बीता। बाद में नर्मदा कुंड पे आकर उनका अवतरण उद्गम पे हुआ। इस माई की बगिया में नर्मदा का असली घर है, नर्मदा माई का आंगन, उनके बचपन का बागीचा। यहाँ श्रद्धालु नर्मदा के कन्यादान के लिए आते हैं, और इसी बगिया में पाए जाते हैं तरह तरह के अद्भुत दुर्लभ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां। गुलबकावली का पौधा उन्हीं में से एक है। नर्मदा को राजा सोनभद्र से प्रेम था, और उनकी दासी जोहिला ने उन्हें धोखा देकर खुद राजा से विवाह कर लिया। नर्मदा नाराज हुई और उल्टी दिशा में बहने लगी। आज भी जोहिला नदी को अपवित्र ही माना जाता है। वो यहां से थोड़ी दूर पर ही बहती है। नर्मदा के जन्म के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों में। इसे शिव के स्वेद यानी पसीने से निकली भी कहा जाता है। जब शिव ने देवताओं से पूछा कि नर्मदा का वेग कौन धारण करेगा, तो विंध्यपुत्र मेकल ने नर्मदा का वेग धारण करना स्वीकार किया, और नर्मदा पृथ्वी पर अवतरित हुई। अमरकंटक को इसलिए मेकल भी कहा जाता है, और नर्मदा को मेकल सूता, और महाकवि कालिदास ने आम के पेड़ों की वजह से इसे अम्रकूट कहा। शिव की पुत्री नर्मदा,
शंकरी, रोग मुक्त करने वाली, पाप हरनी, मोक्षदायिनी। अमरकंटक तो लाखों सालों से विराजमान है, सतयुग के समय से ही, लेकिन यहाँ सभ्यताओं के बसने का इतिहास 6000 साल पुराना माना गया है, जब यहाँ सूर्यवंशी सम्राट मनधाता की नगरी थी। उस नगरी के निशान तो नहीं दिखते, लेकिन दिखाई देते हैं कालचूरी वंश के अवशेष, कुछ ईंटें जो गीत गा रही हैं खामोशी से। एक 1042 ईस्वी में बने ये मंदिर सर झुकाए मानो चिरंतन से योग मुद्रा में है। इन्हें देखकर महसूस होता है ये भी किसी प्रार्थना में लीन है। जहां नदियां हैं वहीं सभ्यताएं हैं, वहीं संस्कृति पनपती है और वहीं विभिन्न प्रकार की मान्यताएं शुरू होती हैं, जिसे नदी की परिक्रमा कहते हैं। भारत में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, यानी 1300 किलोमीटर की नदी का एक चक्कर लगाना, 2600 किलोमीटर की पदयात्रा। शर्त यह भी है कि न रुकने का स्थान तय होता है न खाने का, लेकिन ये यात्रा अत्यंत कठिन है, इसीलिए लोग बस और दूसरी गाड़ियों से एक समूह में यात्रा करते हैं और निश्चित जगह पर पड़ाव डालते हैं। नर्मदा ने अपने किनारों पे संस्कृति के जो बीज बोए उन सब का जिक्र करना तो संभव नहीं है, लेकिन आखिर नर्मदा में ऐसा क्या है जो इस कठिन यात्रा को करने लोग निकल पड़ते हैं तमाम तकलीफों को झेलते हुए। परिक्रमा करने वालों को ऐसा कौन सा सुख मिलता है, इसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये तो सिर्फ वही जानता है जिसने इस तकलीफ को भोगा हो, या कहिए इस आनंद को जिया हो। संसार में एकमात्र नर्मदा की ही परिक्रमा की जाती है, एकमात्र नदी है सारे संसार में, क्योंकि लोग इसको चिरकुमारी नदी मानते हैं, इसलिए अत्यंत पवित्र नदी है और इसीलिए इसकी परिक्रमा की जाती है। एक परिक्रमावासी ने मुझसे कहा कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है, अच्छा मनुष्य बनना है, तो उसके लिए कौन सा कॉलेज है। फिर उन्होंने ही कहा इसके लिए ये नर्मदा परिक्रमा है। देखिए 3 बरस 3 महीने 13 दिन तक नंगे पांव भिक्षा मांगते हुए चलना ये कोई साधारण तपस्या नहीं है। मेरे समस्त सृजन का आधार तो नर्मदा है, मेरी किताब भी उसके कारण संभव हो सकी, मेरे चित्र भी उसके कारण संभव हो सकी, तो मैं तो नर्मदा व्रती चित्रकार लेखक हूँ। अमरकंटक की पहाड़ी पे नर्मदा का इतिहास इतना रोचक है कि सारा समय यही निकल जाएगा। चलिए उसकी सुंदरता के नए रूप को देखें, इसका कौमार्य, इसका सौंदर्य। आखिर क्यों इतिहास के पन्नों को शताब्दियों से शोभित कर रहा है? अमरकंटक में जन्म लेती है, जरा बड़ी होती है, चंचल धुन पे मचलती, खिलखिलाती, बच्चों की तरह लड़खड़ाती। कपिलधारा पहुंचकर साहसी नर्मदा 100 फीट गहरी खाई में छलांग लगा देती है। उद्गम से 5 किलोमीटर दूर कपिलधारा जलप्रपात है, वहां चलकर जाना पड़ता है और रास्ते में आपको शिव भक्त, नर्मदा भक्त अपनी ही धुन में खोए हुए मिल जाएंगे। आई मैं सदा ने तुम्हारे नर्म दे मैया, मैं आई सदा ने तुम्हारे नर्म दा मैया, मैं आई सदा ने तुम्हारे
अमरकंत में जन्म लई माँ संकट कातन हारी मैया संकट कातन हारी अमरकंत में जन्म लई माँ संकट कातन हारी मैया संकट कातन हारी गातन गातन साजो बजे बजा बजा के ताली मैया मैं आई दादा ने तुम्हारी नर्मदा मैया मैं आई दादा ने तुम्हारी। कहते हैं महान ऋषि महर्षि कपिल के नाम पे इस जलप्रपात को जाना गया। इसके पास उनका आश्रम भी है। आश्रम में हजारों साल से जल रहे अखंड धूनी की हिफाजत में बैठे उनके अनुयायी से हमारी मुलाकात हुई। बहुत समय पहले ऐसा बोलते हैं कपिल महामुनि जो गंगा सागर में है उन्होंने आकर के यहाँ पर तपस्या करी थी। माता नर्मदा जी को प्रसन्न किया था, उनके नाम से कपिल धारा निकली है और यहाँ ऐसा बोलते हैं कि सांख्य शास्त्र की रचना करी थी। शाम हो चली है और इस वक्त उद्गम पे आरती शुरू हो चुकी है। नर्मदा की घाटी से मनुष्य के इतिहास का पता मिलता है, उसके विकास का इतिहास आदिम से लेकर अभी तक का। नर्मदा के आंचल में आदिम जातियां गोंड बैगा कोरकू भूमिया माड़िया आदि रहती हैं। मैकल की पहाड़ियों पे बसे गांव में जाएं तो इन जातियों से मुलाकात हो जाती है जो लाखों सालों से यहां रह रही हैं। ये भी अपनी शैली में नर्मदा के गीत गुनगुनाती हैं, जो फसल उन्हें नर्मदा ने दी है शायद उसका ये शुक्रिया अदा कर रही हैं। 1323 किलोमीटर की नर्मदा नदी अमरकंटक से मंडला तक की यात्रा 181 किलोमीटर में करती है। मंडला पहुंचते पहुंचते नर्मदा में यौवन आ चुका है। हर मौसम में लोग अपने दिन की शुरुआत इसी संगम घाट से करते हैं, जहां नदी वहां तीर्थ। और दिन की शुरुआत अगर तीर्थ से हो तो इससे बेहतर और क्या होगा। हम नर्मदा के पानी के साथ बहते रहे, लोग मिलते रहे। नर्मदा मानो जनमानस के नस नस में समाई हुई थी। उनके गीतों को लोगों ने अपनी जुबान पर सजा रखा है। नमामि देवी नर्मदे हृदय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे दिवाशुराशु पामिनी नमामि सेतिदानी। मंडला के नजदीक ही नर्मदा नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है जिसका नाम है बरगी डैम, जो 1990 में तैयार हुआ। इस बांध का सबसे बड़ा आकर्षण है साफ नीले पानी का रिजर्वोयर यानी जलाशय, जिसे बरगी लेक भी कहते हैं। बरगी डैम पे एक संगीतमयी सफर जिसे पूरा किया मध्य प्रदेश पर्यटन ने। नीले पानी में फिसलती नाव और आगे मिलते मधुर गीत के सुर। अरे रेवा मर कंठ Thank you.
सर्दियों की शुरू के दिन हैं और नदी की सुंदरता इस समय मनमोहक है। धुंध में लिपटी इस खूबसूरत शिव की कन्या को देखकर इससे प्रेम कर बैठना स्वाभाविक है। एक नर्म और नाजुक एहसास से भरी कोहरे के बीच से बहती गाती नर्मदा। अमरकंटक से तेज वेग में आती नर्मदा मंडला और रामनगर महल पार करती हुई उत्तर दक्षिण में जबलपुर में एक नया रूप लेती है। 95 किलोमीटर की अपनी यात्रा करती हुई जरा धुंध छटी, सूरज झांका, तो सीढ़ियों पर बैठे परिक्रमा करने वाले लोग उसका स्तुति गान करने लगे। यहां से जरा आगे तिलवाड़ा घाट है। महात्मा गांधी की अस्थियों का यहां भी विसर्जन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी घाट के किनारे की थी और यहां के गोंड राजकुमारों ने सन 1857 के गदर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तिलवाड़ा घाट पे रविवार आसपास के परिवारों के लिए सैर सपाटे का दिन होता है। यहां बैठकर वो खाना बनाते हैं। देश की सभी नदियों में सिर्फ नर्मदा का पानी ही पीने योग्य माना गया है। इसी के पानी में बन रहे इस विशेष व्यंजन का स्वाद भी पक रहा है। यहां से थोड़ी दूर 64 योगिनी मंदिर है। कहते हैं प्राचीन काल में जब कुल देवियों का निर्धारण हो रहा था तो 81 कुल देवियों की मूर्तियां स्थापित की गईं। इन्हीं में मगर के सिंहासन पर बैठी नर्मदा की मूर्ति भी है जिसे वर्षिणी का नाम दिया गया है। बारहवीं सदी में बना गोंड रानी दुर्गावती का मदन महल भी जबलपुर की पहचान है जो अपने आप में एक प्राकृतिक कौतूहल से कम नहीं है। भेड़ाघाट में नर्मदा का धुआंधार रूप देखने को मिलता है। इस जलप्रपात को धुआंधार फॉल्स कहा जाता है। संगमरमर के पत्थरों वाली इस जगह से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि हम पाषाण युग में पहुंच गए हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये जगह 6 करोड़ साल पुरानी है। आसपास डायनासोर के जीवाश्म की उपस्थिति भी यही साबित करती है कि नर्मदा भारत की सबसे पुरानी नदी है। अद्भुत है नर्मदा की कथा, अद्भुत है उसकी छटा, ऐसी कथा किसी अन्य नदी की नहीं। कहते हैं जल प्रलय के बाद पृथ्वी का यही भूभाग ऊपर आया। पहाड़ 2 भाग में बटे और बीच में निर्मल सरिता नर्मदा बह निकली। नर्मदा का बहाव खंबाट की खाड़ी तक पथरीली घाटियों से होकर गुजरता है और सारे रास्ते इसकी ऐसी ही सुंदरता देखने को मिलती है। नर्मदा में काम करता था, बहुत कुछ सीखने को मिला और उस सुंदर सी नदी के किनारे मैं बहुत कुछ सीखा।